हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक नई अनबॉक्सिंग, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक यूपीएस के बारे में। यूपीएस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट आज मैं जो यूपीएस आपके लिए लेके आया हूं, आप मेरे बैक में देख सकते हैं, बैकअप यूपीएस है ये, आपके सिस्टम्स के लिए, आपके काम को बचाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ये यूज़ में आता है। तो गाइज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए, बिना कुछ देरी किए करते हैं वीडियो स्टार्ट, और साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एपीसी का जो है यूपीएस, बैकअप यूपीएस, एंड ये कंपनी जो है श्नाइडर है, ये प्रोडक्ट जो है फ्रांस का है। तो गाइज, ये रहा इसका बॉक्स, तो ये इसकी पैकेजिंग है। हमने जो है ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे लोकलिटी में आपको ये मिलेगा नहीं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत इसके ये गिना देता हूँ स्पेसिफिकेशंस। तो इसमें रन टाइम जो है 50 मिनट्स का है। वो कैसे है, वो डिपेंड होता है आप कितने पीसीज यूज़ करते हैं, तो उसी के हिसाब से जो है इसका घटता बढ़ता है। एंड सेकंड थिंग जो है, इसमें आपको यहाँ पे बैटरी सेवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैटरी सेवर इंक्रीजेज बैटरी लाइफ अप टू 2x। सेकेंड थिंग आपको जो है सर्ज प्रोटेक्शन, यानी कि आपके जो गैजेट्स हैं जो इसके साथ लगे होंगे, ये उनको बचाता है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट और जो भी होगा। एंड यहाँ पे है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये भी जो है इसमें इनबिल्ट है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। प्लस यहाँ पे आपको 1100 VA 660 वाटेज आपको यहाँ पे मिलती है मैक्सिमम, 4 to 6 आवर्स फास्ट रिचार्ज। यहाँ पे 1 ईयर का वारंटी आपको, ये 1 ईयर की आपको वारंटी मिलती है इंक्लूडिंग बैटरी जिसके अंदर होते हैं। एंड यहाँ पे आपको लेस बीपिंग, जैसे मान के चलो आप लाइट चली गई या इसका बैकअप लो हो गया, तो बार बार वो जो है अलार्म जैसा बार बार साउंड करता है, तो बीप इसमें लेस है, वो भी आपको अनॉइंग साउंड नहीं मिलेगी। जेनसेट इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी, जेनसेट पे भी ये चलेगा एंड इन्वर्टर पे भी ये चलता है सीमलेसली। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड प्रोटेक्शन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग कनेक्टेड डिवाइसेस व्हेन देयर इज एन ओवरलोड, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी सेवर, कोल्ड स्टार्ट कैपेबिलिटी, पावर अप्स द यूनिट फॉर द इमरजेंसी व्हेन यूटिलिटी पावर इज आउट, बैटरी सेवर, कंजर्व बैटरी रन टाइम टू सपोर्ट रिपीटेड आउटेज, तो बहुत सारे काम जो है आपसे बचा सकते हैं। सर्ज प्रोटेक्शन, वो मैंने आपको पहले ही बोला, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। चलिए, अब सीधे सीधे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पे आपको पीछे जो है बहुत सारे प्लग्स मिलते हैं, जहाँ पे आप अपने गैजेट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हम इसका ये फोम निकालते हैं, इसी से जो है ये वाइल्ड ट्रैवलिंग ये बचता है टूटने फूटने से। इसको एसाइड रखते हैं, तो मुझे अब थोड़ा बहुत उठना पड़ेगा क्योंकि ये भारी बहुत है यार। ये रहा गाइस आपका गैजेट, तो भारी भी बहुत है एंड ये है एक्चुअल, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपको 3 बैटरी बैकअप मिलते हैं, इसमें आपको जो है तो गाइस इसमें आपको इंटेलिजेंट बोर्ड मिलता है अंदर से, जो कि मतलब जब सर्ज होता है, मतलब लाइट चली जाती है या कोई भी ओवरलोड होता है, तो उसको खुद ही प्रोटेक्ट करता है। तो 4 से 6 घंटे तक में जो है ये रिचार्ज हो जाएगा। एंड 660 का इसका जो है मैक्सिमम वाटेज है, ये मैंने आपको पहले ही बोला। अब करते हैं इसके प्राइस की बात। तो 10,100 रुपीज़ का जो है MRP लिखा हुआ है, तो इसके प्राइस जो है अप डाउन होते रहते हैं, जितनी इसकी डिमांड होगी उस हिसाब से प्राइस अप भी होते हैं, डाउन भी होते हैं। तो बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा डाउन नहीं होते, आपको ये ऑलमोस्ट 6,000 से ऊपर का ही पड़ेगा, तो 6,000 के नीचे कभी जाता नहीं है। तो आई रिकमेंड कि आप ये ले, इसका मैंने बहुत सारा मतलब थारोली पढ़ा है, आई रिकमेंड कि आप ये ले अपने पीसीज के लिए, अगर आपको अपना काम बचाना है, क्योंकि हाई एंड पीसीज होते हैं ये, कोई नॉर्मल पीसी नहीं। अगर गेमिंग पीसी है तो आपको ये ज़रूरी चाहिए, अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप मतलब कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके पास फाइल्स बड़ी बड़ी होती हैं ताकि वो सेव रहे। तो ये है जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, आपके हार्ड ड्राइव्स को बचाएगा आपके डाटा ख़त्म होने से, क्योंकि इम्प्रॉपर शटडाउन से जो है आपके बैकअप को भी खतरा होता है, और बाकी चीज़ें भी जो है उसमें आपको पता है एक्सपेंसिव सिस्टम होता है आजकल, तो उनको खतरे से बचाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी यहाँ पे आपको फ्रंट में बटन मिलते हैं, यहाँ पे बैटरी सेवर के लिए अलग बटन दिया हुआ है, ये आपके चार्जिंग का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो है पावर ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, APC बाई श्नाइडर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आपको वेंटिलेशन मिलती है, यहाँ पे आपको फ़ैन दिया हुआ है,
क्योंकि वाइल यूजेज ये गर्म होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सर्किट कट भी है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप 5 प्लग लगा सकते हैं। बैकअप के लिए आपको ये 4 है, बाकी जो है आप सर्ज के लिए ये लगा सकते हैं, लाइक अपना इसमें आप LCD लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम LCD लगाएंगे 2 मिनट के लिए, तो वही ठीक रहेगा इसके लिए। बाकी ये है बहुत ही छोटा, कम्पैक्ट है, कहीं पे भी रख सकते हैं इजीली, वो तामझाम नहीं है कि बड़ा है वो है ये है, बाकी बहुत बढ़िया है। सेकेंड थिंग ये है कि हमारे पास बहुत ही हैवी सिस्टम है, मतलब अच्छा हाई एंड PC है, गेमिंग भी करते हैं उससे, 4K वीडियोस 8K वीडियोस भी उससे एडिट करते हैं। तो हम देखेंगे अब इस पर कि फुल चार्ज के बाद कितना बैकअप देगा, तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस पर हम पूरा डिटेल बताएंगे कि ये जैसा कंपनी बोलती है वैसा है कि नहीं। तो अगर आप सिंगल PC यूज़ करते हैं तो 50 मिनट्स बोलती है कंपनी, अगर आप दो करते हैं तो आपको 13 मिनट्स, अगर आप 2 PCs इस पर ऑपरेट करेंगे तो आपको 12 मिनट्स का ये 13 मिनट्स का जो है ये बैकअप देगी, अगर आप 3 PCs यूज़ करते हैं इस पर तो ये आपको 12 मिनट्स का जो है मैक्सिमम तो बैकअप देगा, तो ये कंपनी बताती है। तो एक चीज़ जो है मुझे फ्लिपकार्ट की अच्छी लगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट दी हुई है, डेट कब किया था 2024 में, यहाँ पे जो है मॉडल नंबर सब कुछ, कोल्ड बूट पास्ट, फैन वेरिफिकेशन पास, तो सब कुछ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। बिल्कुल आपको जो है अच्छी आप अपने पैसे दे रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से आपको जो है ये डिलीवर करते हैं फ्लिपकार्ट। और सेकेंड थिंग है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जून की है, मतलब जून जुलाई अगस्त, तो 1.5 महीना पहले ये जो है बना हुआ है और हमारे पास ये 1.5 महीने के बाद पहुंचा, तो बहुत ही बढ़िया है, ये मुझे अच्छा लगा। फ्लिपकार्ट भी बहुत ज़्यादा अपने मतलब अपने एंड से बहुत ही अच्छी कोशिश करता है कि अपने कस्टमर्स को हैप्पीली सब कुछ जो है डिलीवर किया जाए, तो आज तक तो कोई वैसे दिक्कत हुई नहीं, कभी कभी हो जाती है तो वो दूसरी बात है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कि अगर आपके पास कोई और आइडिया है या आपके पास कोई और बैकअप के लिए, तो वो भी हम लाएंगे, उसकी भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, और ये भी हम इसको डिटेल में बताएंगे आगे जाके कि ये कैसा निकला, इसमें बैकअप कैसा है और कितना हमने इसने हमको सपोर्ट किया। तो आई होप कि ये वीडियो और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसी हमारी वीडियोस देखिए, ये अनबॉक्सिंग देखिए, आपको भी हेल्पफुल लगेंगी तो हमें ज़रूर बताइए, अगर हेल्पफुल नहीं लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने थॉट्स बताइए, हम उसी हिसाब से जो है अपग्रेड भी करेंगे। बाकी जितनी भी हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे चीज़ें लाएँ, ताकि आप जहाँ पर इन्वेस्ट करो तो आपकी इन्वेस्टमेंट खाली ना जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।